हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कमिटमेंट टू कर्व सिंगल यूज प्लास्टिक सामने आ चुका है। यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक्स। जानेंगे इंडिया का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों था, यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज इसके अगेंस्ट क्यों थी और किस हद तक इस कमिटमेंट को वो डिल्यूट यानी कमजोर कर पाए हैं। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे हो सकती है विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज दैट यू कैन परचेज फ्रॉम studyiq.com और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल असेसमेंट, उससे इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। प्रिलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रिलिम्स में आपको हर साल एक या दो क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूएन के किसी ना किसी एनवायरमेंटल प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। यूएन वेरियस प्रोग्राम्स चलाता है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर वेरियस स्पीसीज। पहली बार यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स के लिए भी कोई कदम उठाया गया है। तो अगर हम 2016 का एक क्वेश्चन देखें, इट इज़ रियली नाइस, मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करें इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड RED+ जो ये रेड है इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो ही आप इसको आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं यूएन रेड प्लस प्रोग्राम को तो उससे क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या लाभ होगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन है कि इससे बायोडाइवर्सिटी का बचाव होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी उसको, जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको रेजिलियंस मिलेगी। फिर तीसरी बात यह है कि इससे पॉवर्टी गरीबी घटेगी। तो आपको बताना है कि कौन सी बात सही है, अगर हम सही तरीके से यूएन रेड प्लस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें से क्या अच्छा नतीजा सामने देखने को मिलेगा। तो सब लोग इसको अटेंड करो, सही आंसर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। नाउ टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, रिसेंटली सोशल मीडिया में एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक एनवायरमेंटलिस्ट ने कुछ फ़ोटोज पब्लिश करी है, फिलीपींस में एक जगह पर एक डेड वेल मिली, मरी हुई वेल। उस वेल को उन्होंने स्टडी किया कि ये वेल किस तरीके से मरी और इतने अजीब तरीके से उसकी बॉडी क्यों मिली है। तो वहाँ पे स्टडी के बाद पता लगा कि वेल के अंदर 40 किलो प्लास्टिक था। ये इसकी यहाँ पे एक फ़ोटो है और इस पर अभी काफ़ी ग्लोबल आउटरेज है, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग इस फ़ोटो को शेयर कर रहे हैं कि एक वेल के अंदर 40 किलो प्लास्टिक, प्राइमरली जो प्लास्टिक था ये वो प्लास्टिक है जो ह्यूमन बीइंग्स यूजुअली यूज़ करते हैं एज कैरिंग बैग्स या फिर और तरीके से। तो किस तरीके से हम मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन फिलीपींस या एशिया या यूएसए, एक सर्टन रीजन तक ये सीमित नहीं है। हम सबको पता है कि ऐसी खबरें ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने बाद आती है, एक फ़ोटो वायरल होती है, बट ज़्यादा कुछ एक्शन इस पर लिया नहीं जाता। फॉर्चुनेटली जैसे ही ये फ़ोटो वायरल हुई है, कोइंसिडेंस के हिसाब से आप कह सकते हैं, यूएन से काफ़ी अच्छी खबर आई है। मार्च 2019 में द यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं कर रहा, जनरल असेंबली की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मोर देन 190 कंट्रीज हैं, तो इन सब कंट्रीज ने कहा है कि हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ 2030 तक। और ये जो कमिटमेंट थी, द प्लेज केम आफ्टर मैराथन टॉक्स विद नियरली 200 मिनिस्टर्स एट द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेसमेंट इन नैरोबी केनिया। केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इथोपिया से जो फ्लाइट निकली थी बोइंग 737 की, वो यहीं पर जा रही थी और रास्ते में वो इथोपिया में क्रैश हो गई, तो इसलिए केनिया भी काफ़ी तक न्यूज़ में है। और रिसेंटली जो यूएन का एनवायरमेंटल असेसमेंट असेंबली की गैदरिंग थी वो भी यहीं पर हुई थी। तो दिस इज़ क्वाइट नाइस, मगर अब ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, किस तरीके से ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और अगेन यहाँ पे स्पेसिफिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्यों मेंशन किया गया है। जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बात करते हैं जो हम एक यूज़ के बाद फेंक देते हैं। इसमें जो आप पानी की बॉटल लेते हैं वो प्लास्टिक इन्वॉल्व होता है, आप जो कैरिंग बैग्स लेते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा बैग, कप्स, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, वेरियस चीज़ें जो आपको पता होगा जो एक बार यूज़ करके आप बस उसको फेंक देते हैं।
इसे हम कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, और आज के टाइम में एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत ही बड़ी मेनेस बन चुकी है। रिसेंटली 2015 में इंडिया में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने एस्टिमेट किया था दैट इंडियन सिटीज जनरेट 15,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डेली, अबाउट 70% ऑफ द प्लास्टिक प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड्स अप एज वेस्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ज़रातार आप रिसाइकल भी नहीं कर पाते, और ये एज वेस्ट हमको दफनाना पड़ता है लैंडफिल में। और इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए 17 स्टेट्स ने ऑन पेपर एक बैन लगा रखा है सिंगल यूज प्लास्टिक पे, मगर ग्राउंड लेवल पर वो जो बैन है इम्प्लीमेंट ढंग से होता नहीं है। नाउ सिंगल यूज प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको बताया रिसाइकल करना मुश्किल होता है, तो उसे हमें दफनाना पड़ता है। आपको पता होगा लैंडफिल के बारे में, बहुत सी कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड ये प्रैक्टिस होता है, जब बहुत ज़रा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है हमको पता नहीं है कि उसका करना क्या है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि एक यहाँ पे एक हम गड्ढा सा खोद देते हैं, उसके अंदर जो वेस्ट है वो डाल देते हैं और उसको हम कवर कर देते हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लैंडफिल्स प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है, वहाँ पे आसपास कवरिंग होती है कि ताकि जो अंदर का टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है डीकम्पोज भी बहुत ही आसानी से नहीं होता, तो ज़्यादातर टॉक्सिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके से इसको गाड़ दिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब इसको ढंग से लैंडफिल में नहीं गाड़ा जाता तो ये प्लास्टिक काफ़ी बार कहीं और पहुँच जाता है आफ्टर गेटिंग इन टच विद द ग्राउंड वाटर, और काफ़ी बार ये ओशन तक भी पहुँच जाता है, ये भी देखा गया है। और ओशन में जो मरीन लाइफ है वो इस प्लास्टिक को निगल लेता है, काफ़ी बार वेल्स इसको निगल लेती हैं, फिश निगल लेती हैं। एंड यू कैन इमेजिन, देखिए हम लोग सब लिविंग बींग्स हैं, ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स के पास सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा है, दैट्स वॉट वी थिंक, मगर ओवरऑल कोई भी लिविंग बींग ये नहीं चाहेगा कि उसके लंग्स में या उसकी बॉडी में कहीं पे प्लास्टिक फंस जाए और वो ब्रीथ भी ना कर पाए। सो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी क्रूअल, और इस प्रैक्टिस की वजह से मरीन लाइफ तो सफ़र करती ही है, उसके अलावा एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बहुत लंबे समय से ये बात उठ रही थी कि कम से कम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जाए, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक स्टेप भी आगे हम ले पाएं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बतानी चाहिए कि बहुत सी कंट्रीज़ जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं या फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं धरती से, वो नहीं चाहती कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है इस पर रोक लगे और प्लास्टिक बनना कम हो, क्योंकि प्लास्टिक बनने का जो प्रोसेस है वहाँ पे फॉसिल फ्यूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ऑयल की क्या ज़रूरत होती है प्लास्टिक को बनाने में। देखो जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ये चीपेस्ट सोर्स है हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक का, तो काफ़ी बार जो भी आप देखोगे बहुत बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बनाया जाता है, वहाँ पे वो ऑयल या फिर पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि US और सऊदी अरेबिया नहीं चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री बंद हो, इसलिए ऐसी कंट्रीज़ भी काफ़ी बार प्लास्टिक को प्रमोट करती हैं। मगर US और सऊदी अरेबिया के जोर लगाने के बावजूद बहुत सी कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, यहाँ पे चाइना भी आता है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को भी आप गिन सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कोशिश करी कि UN में, UN का जो एनवायरनमेंट असेंबली का विंग है वहाँ पर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए जाएं, ताकि हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को धीरे धीरे यूज़ करना ख़त्म करें। अब उसमें भी देखो USA और सऊदी अरेबिया ने कुछ चेंजेस कर दिए फाइनल डिक्लेरेशन में, जिससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो ओवरऑल एंड होना था वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो इंडिया ने यहाँ पे पायलट रोल निभाया था, इंडिया ने दो रेजोल्यूशन पास हुए हैं, एक तो है सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, इस पर अलग वीडियो चाहिए होगी, और दूसरा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाला जो रेजोल्यूशन था उस पर US और सऊदी अरेबिया ने पहले काफ़ी ऑब्जेक्शन किया, बाद में जब बहुत सी कंट्रीज इसका साथ दे रही थी, एवरीवन स्टार्टेड वोटिंग इन फेवर ऑफ इट, तो US और सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे कुछ चेंज की डिमांड करी। वो चेंज ये था कि इनिशियल जो इंडिया का प्रपोजल था वो ये था कि सारी कंट्रीज़ मिलकर 2025 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करना ऑल टुगेदर बंद कर देगी, मगर ऐसा अगर होता तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री स्लो डाउन में चली जाती और ऑयल के दाम और ज़रा गिर जाते, जो USA को एक्सेप्ट नहीं था। तो USA और सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे प्रेशर लगाकर ये 2025 का जो ये डेडलाइन थी ये बढ़ाकर 2030 कर दी, और साथ में जो लैंग्वेज थी वो भी चेंज कर दी। इंडिया चाहता था कि लिखे कि फेजिंग आउट, हम फेज आउट कर देंगे कम्प्लीटली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, यूज़ करना बंद कर देंगे, मगर USA ने इसमें चेंज करके ये डलवा दिया कि हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे,
काफ़ी हद तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है इसको हम रिड्यूस करेंगे ऑल टुगेदर, इसको हम फेज आउट नहीं करेंगे। कह सकते हैं यूएसए की हिपोक्रेसी है, एक तरफ वो ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्टेज में चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो या फिर ये जो रेजोल्यूशन है अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक, हर जगह यूएस कोशिश करता है कि जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो सबसे आगे रहें, चाहे मरीन लाइफ, प्लैनेट या फिर एनवायरनमेंट को जितना भी लॉस झेलना पड़े। खैर, चाहे अब यूएन में इंडिया जो असल में चाहता था, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, मगर फिर भी अब कुछ प्रेशर तो है यूएसए पर, सऊदी अरेबिया पर, कि 2030 तक वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है सिग्निफिकेंटली कम करें। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूएन रेड को अगर हम इम्प्लीमेंट करें ढंग से तो क्या होगा। देखिए, तीनों चीज़ें होंगी, आंसर इज़ डी, इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन में भी ये हेल्प करेगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।